सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आरती भारद्वाज है और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने चैनल में प्राकृतिक खेती के बारे में वीडियोस डालती हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृतिक कीटनाशक नीमास्त्र कैसे बनाया जाए। नीमास्त्र बनाने की विधि जानने से पहले मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ आप सभी किसानों से। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि जितने ज्यादा हमारे बाजारों में इन कीटनाशकों की संख्या बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा हमारे खेतों में कीड़े बढ़ रहे हैं? क्या आपने ये नहीं सोचा कि क्यों एक कीड़े को कंट्रोल करने वाले पेस्टिसाइड को एक साल या दो साल के बाद हमें बदलना ही पड़ता है, नहीं तो वो असर नहीं करता? क्या आपने ये कभी नहीं सोचा कि क्यों इन कीटनाशकों का इतने दशकों तक इस्तेमाल करने के बावजूद भी इन कीड़ों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका? अगर आप सब मेरे इन सवालों से सहमत हैं या आप इस वक्त इन सभी सवालों के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। क्या ये कीटनाशक हमारे खेतों में कीड़ों को कंट्रोल करने के बजाय उनको कम करने के बजाय उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब मेरी ओर से होगा हाँ। हाँ, ये कीटनाशक हमारे खेतों में कीड़ों की संख्या कम तो करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। वहीं अगर हम एक लंबे समय की बात करें तो खेतों में बढ़ने वाले कीड़ों की संख्या के पीछे का कारण ये सभी रासायनिक कीटनाशक ही हैं। इस कारण को समझने से पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझना ज़रूरी है हमारे लिए, वो है रेजिस्टेंस और रिसर्जेंस। तो सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। जब हम एक कीड़े को किसी कीटनाशक से लंबे समय तक स्प्रे करते हैं तो वो अपनी बॉडी में कई तरह के चेंजेस लाता है, जिससे कि वो अपनी बॉडी में कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। कीड़ों में आने वाले रेजिस्टेंस के पीछे कई कारण होते हैं। इनमें से एक कारण है कीड़ों का छोटा लाइफ साइकिल और कीड़ों का एक साथ बहुत सारे कीड़ों को जन्म देना। पेस्टिसाइड स्प्रे जैसे स्ट्रेस्ड कंडीशन में जब ये कीड़े एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे नेचुरल रेजिस्टेंस के साथ ही पैदा होते हैं, जो उस प्रतिरोधक क्षमता को आगे आने वाली पीढ़ी में पास करता है। और इस तरह से उस कीड़े की पूरी प्रजाति ही उस पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। तो इन सभी कारणों के कारण कीड़ों में रेजिस्टेंस आता है और इस रेजिस्टेंस के कारण उन कीड़ों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और अगली बार हमें उन्हें कंट्रोल करने के लिए पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रांग पेस्टिसाइड की स्प्रे करनी पड़ती है। अगला तथ्य है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान या पुनर्जीवन। इसे अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है कीड़ों का शक्तिशाली रूप से दोबारा उत्पन्न होना। इसे समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि खेतों में पाए जाने वाला हर कीड़ा हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। उनमें से कुछ कीड़े हमारे मित्र जीव भी होते हैं, जिन्हें कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहते हैं। ये मित्र जीव हमारी मदद करते हैं फसलों को खराब करने वाले कीड़ों को कंट्रोल करने में। ये मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, पैरासाइट, प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड्स। सभी कीटनाशक किसी न किसी तरह के जहर होते हैं, जो कि इंसान के शरीर के लिए भी घातक होते हैं। तो जब हम एक कीटनाशक को स्प्रे करते हैं तो उसके दायरे में आने वाला हर जीव उससे मर जाता है, जिससे कि हमारे ये मित्र जीव भी खत्म हो जाते हैं। अब मित्र जीवों के खत्म होने के कारण इंसेक्ट्स में रिसर्जेंस कैसे आती है, इसे समझने से पहले हमें कीड़ों की लाइफ स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। सभी कीड़ों की मुख्यतः चार लाइफ स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले एक अडल्ट अंडा देता है, उस अंडे से लार्वा बनता है, उस लार्वे से प्यूपा बनता है, उस प्यूपे से वापस एक अडल्ट तैयार होता है। अब अगर अंडे और प्यूपे को देखा जाए तो वो एक तरह से सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनके बाहर एक किसी ना किसी तरह का एक सुरक्षा कवच होता है या कोई हार्ड कवरिंग पाई जाती है। अब जब हम किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले वो कमज़ोर कीड़ों को ख़त्म करता है और काफ़ी हद तक सभी कीड़ों को ख़त्म करता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग कीड़े फिर भी बच जाते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारे कीटनाशक जो हैं वो अंडों को अफेक्ट नहीं कर पाते और उसी तरह से वो हमारे प्यूपास को भी अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेचुरल एनिमीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल या मित्र जीवों की कमी होने के कारण बचे हुए कीड़े अत्यधिक स्ट्रांग हो जाते हैं और वो एकदम से हैवी फीडिंग शुरू कर देते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं।
जिसे कि कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह से रिसर्जेंस और रेजिस्टेंस जो कि पेस्टिसाइड्स से इंड्यूस होती है हमारे खेतों में, उसके कारण हमारे खेतों में कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। वहीं हम प्राकृतिक कीटनाशकों की अगर बात करें तो प्राकृतिक कीटनाशक किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो उसे मारता नहीं है, बल्कि वो उस जीव को हमारी सब्जियों, हमारे फलों या फसलों से दूर रखता है। और इसके साथ ही ये जो हमारे प्राकृतिक कीटनाशक हैं वो हमारे खेतों में मित्र जीवों की संख्या बढ़ाते हैं। तो इस तरह से सभी प्राकृतिक कीटनाशक हमारे खेतों में एक बैलेंस बना के रखते हैं हमारे फसलों को खराब करने वाले कीड़ों और हमारे मित्र जीवों के बीच में। प्राकृतिक कीटनाशकों के स्प्रे से सभी कीड़े आपके खेतों से दूर रहेंगे, और यदि अगर वो आपके खेतों में आ भी जाते हैं तो ये मित्र जीव उनको कंट्रोल कर लेंगे। प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से आप खुद भी जहर मुक्त रहेंगे, आपके खेतों में कीड़े भी नहीं रहेंगे, मित्र जीव भी बढ़ेंगे, और इसके साथ ही आप किसी जीव को मारने के गिल्ट से भी फ्री रहेंगे और जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है आपके खेतों की उसको भी बढ़ाएंगे। प्राकृतिक खेती में सभी कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कीटनाशक बनाए जाते हैं, जैसे कि अग्निअस्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्घ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीमास्त्र कैसे बनाया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। नीमास्त्र बनाने के लिए आपको चाहिए 100 लीटर पानी, 5 किलो नीम की पत्तियां, 5 लीटर गौमूत्र और 1 से 2 किलो गोबर। और इस तरह बनाया गया नीमास्त्र आपकी 10 कनाल की भूमि के लिए काफ़ी होगा। नीम की पत्तियों को टहनी से अलग करके रख लें। अब इन नीम की पत्तियों को हमें कूटना है। हम इसका पेस्ट भी बना सकते हैं या हम इसे नॉर्मली मोटी मोटे तौर पे कूट भी सकते हैं। हमने इन पत्तियों को इस तरह से कूट लिया है। अब हमने एक बाल्टी में पानी लिया है और इसमें हमने गौमूत्र ऐड किया। हम नीमास्त्र एक बाल्टी में बना रहे हैं और तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम इसमें गौमूत्र भी डाल रहे हैं। और अब हम इसमें अपने अंदाजे से गोबर डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इस मिक्सचर में हम डालेंगे अपनी कूटी हुई नीम की पत्तियाँ। अब इन्हें अच्छी तरह से इस मिक्सचर में सबमर्ज कर लेंगे और एक लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करते हुए हम इसे घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में मिलाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा नीमास्त्र तैयार है। नीमास्त्र के इस मिक्सचर को हमें छाया में रखना है और इसे जूट की बोरी से ढकना है और सुबह शाम हमें इसे 2 मिनट के लिए सुइयों की डायरेक्शन में मिलाना है और 2 दिन बाद हमारा नीमास्त्र स्प्रे करने के लिए तैयार है। अब इसे एक बार घोलेंगे और इसके बाद हम इसे छान के स्प्रे के लिए यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से घोल लेंगे एक बार। अब इसे इस तरह से भर के पंप में डालने से पहले छान लेंगे। छना हुआ जीवामृत पंप में भर के अब हमें ये सब्जियों में स्प्रे करने के लिए रेडी है। नीमास्त्र मेनली रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि रस चूसने वाली सुंडियाँ, जेसेट्स, एफिड्स या तेला, मिलेबग, रस चूसने वाली इलियाँ, रस चूसने वाले ग्रास हॉपर्स, नेमाटोड्स और टर्माइट्स को कंट्रोल करता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी और आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में एग्रीकल्चर दफ्तर जाके आत्मा की टीम से मिलिए, वहाँ पे बैठे अधिकारी बीटीएम या एटीएम से मिलिए, जो कि आपकी पूरी सहायता करेंगे प्राकृतिक खेती करने में। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वायरी है प्राकृतिक खेती को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल रही हूँ, आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे और किसानों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। भाई क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान, इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान।